दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ कनाडा में, और इस वक्त फरवरी 2 तारीख है और एडमंटन शहर में -28 सेल्सियस होना चाहते हैं। यहाँ पर होना चाहते नहीं है, एक्चुअली टाइम होना चाहता है, और ठंड बहुत है यहाँ पर। मेरे साथ लाइन पे जुड़ी हुई है एक श्रद्धा सिंह, और आइए पूछते हैं क्या मसला है, कुछ उनकी हेल्प हो सकती है कि नहीं है, देखते हैं क्या है। श्रद्धा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आप बताएं कहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो मैं इंडिया से कॉल कर रही हूँ, फरीदाबाद में। थैंक यू कि आपसे, मतलब आपने रिस्पॉन्स किया ईमेल पर, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपके पास इतना टाइम होगा और आप इतना जल्दी रिस्पॉन्स कर देंगे, तो थैंक यू फॉर दैट। ओके, यू वेलकम। आपने आपने मेरे से जो कॉल किया है, पहले भी हमारी एक बार बात हो चुकी है शायद किसी। हाँ जी, मेरी आपसे बात हुई थी अराउंड 2 साल पहले। तो 2 साल पहले मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम, और वो रिफ्यूज हो गया था। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या तो क्या वो अप्लाई किया था। एक कॉलेज था प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में मैंने मास्टर्स के लिए लिया था एडमिशन, बट वो रिजेक्ट हो गया था। और उस दिन, जिस दिन रिजेक्ट हुआ, उसी दिन मैंने आपको कॉल किया था, सितंबर, याद है मुझे, तब हमारी बात हुई थी। फिर आपने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी, मैंने 1 साल का यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया हुआ है। 1 साल का पीजी डिप्लोमा होता है, तो वो मैंने करा है। और जो मैंने एडमिशन पहले लिया था फर्स्ट टाइम पे, तो वो भी था कि वो भी एक पीजी डिप्लोमा ही था, मास्टर्स प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं उसको, तो वो नहीं था। तो मेरा वहाँ पर मेरा फॉल्ट था, मुझसे अंडरस्टैंडिंग में गलती हो गई थी ना कोर्स का, जो नाम से मैं मतलब वो अंडरस्टैंडिंग का था मेरा इशू, इसकी वजह से मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ। फिर मुझे, मेरे मार्क्स भी उतने बहुत अच्छे नहीं थे, बट मुझे यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट में एडमिशन तब भी मिल रहा था, बट मैंने उसको चूज़ नहीं किया था तब, क्योंकि उसके रिव्यूज़ वगैरह उतने मुझे अच्छे, मतलब अच्छे रिव्यूज़ तब नहीं थे उसके। फिर जब मेरी आपसे बात हुई, आपने भी सजेस्ट किया कि मुझे एमबीए के लिए जाना चाहिए, तो मैंने दोबारा से फिर यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एडमिशन लिया। पर मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट के बारे में रेकमेंड किया था या बोला था कि नहीं है रिकमेंड जाओ नहीं क्या था। किया था, आपने मुझे बोला था कि अगर आपके पास वहाँ का ऑफर लेटर है तो आपको एमबीए वहाँ कर लो, अगर आपको और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो, बिकॉज इट्स एन एमबीए, और आपके, मतलब मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी पीजी हो गया है, तो एक एमबीए सुटेबल रहेगा, वैसा था। मतलब आपने भी मतलब मैंने आपसे शेयर किया था कि सर आपके वीडियोस में कभी मैंने सुना है कि उतने अच्छे उसके रिव्यूज़ नहीं हैं, बट स्टिल इफ, मतलब दे आर ऑफरिंग एमबीए, और कनाडा में वो इंस्टीट्यूट है, और सारे उनके पास में राइट्स हैं वो इंस्टीट्यूट चलाने के, यूनिवर्सिटी चला ना, तो फिर एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और करना ना पड़े वो। पर मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी मिलती है तो आप वहां जाओ, या हाँ यूनिवर्सिटी हाँ ऑफ कनाडा बिल्कुल बिल्कुल प्रेफर करो, लेकिन आप मेरे नहीं, पास आए थे ऑलरेडी, एडमिशन लेकर आए हुए थे आप शायद। हाँ जी नहीं, मेरा ना रिफ्यूज़ल हुआ था, तो मुझे आपसे सिर्फ, मतलब मैं आई थी सजेशन के लिए कि आप क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं रिफ्यूज़ल के बाद। आपने खुद एक दो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करी थी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्क्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे एडमिशन मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट का एडमिशन आपको मिल गया, और हाँ कितनी जी, फीस, कितनी फीस दी आपने इसमें। मैंने अराउंड $16,500 1 साल की फीस पे करी। जी, और आपका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आपने दोबारा से बताएं, कौन सा पीजी डिप्लोमा किया आपने इंडिया सर से। ओके, मैंने पहले ना ग्रेजुएशन में बीकॉम किया था, उसके बाद पीजी 1 साल का मैंने एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में किया था। एडवर्टाइजिंग की यार। ओके हाँ ठीक जी, है। उसके बाद मेरा अराउंड 8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, मैं अभी भी वर्किंग हूँ, तो मेरा स्टडी गैप भी बहुत था। जॉब क्या कर रही हैं आप।
सर मैं अभी एज अ कंटेंट मॉडरेटर वर्क करती हूँ। मतलब इसका इसका हिंदी में मतलब क्या है? क्या लिखती हैं या कुछ वेबसाइट पे नहीं क्या? नहीं लिखती नहीं हूँ सर। वीडियोस वगैरह रिव्यू जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस आते हैं ना, यूट्यूब में जो वीडियोस आते हैं वो सारा मैं रिव्यू वर्क करती हूँ। अच्छा, रिव्यू करती हैं हाँ बेचारे। जी। तो ये जॉब है क्या, अपना बिजनेस है या सैलरी नहीं मिलती है सर, कैसे? अच्छा प्रॉपर जॉब है, सैलरी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने अब यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट के लिए आपको स्टडी वीजा मना कर दिया, रिफ्यूज हो हाँ गया, जी हाँ इसमें जी। कारण क्या लिखा है, क्या रीजन डाला है उन्होंने? सर रीजन वही सेम कि स्टूडेंट इज नॉट विलिंग टू कम बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडी। तो उसमें और भी कुछ बातें छिपी हो सकती हैं। आपका एसओपी में क्या जस्टिफिकेशन आपने लिखा था, क्या आप करने जा रहे हैं, क्या कैसे क्या है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग एमबीए, ऐसा कुछ लिखा आपने? सर मेरा जो फील्ड है ना, एज अ कंटेंट मॉडरेटर भी मैं ऑपरेशंस में आती हूँ। ठीक। तो उसके उस ऑपरेशंस के अराउंड ही मेरा जो एसओपी था उसमें मैंने सारा कुछ मेंशन किया था कि एमबीए करने से मुझे मेरे करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इवन इन दी करंट ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई एम वर्किंग। तो वहाँ से मैंने अपने मैनेजर का भी लेटर दिया था कि मैं वापस अगर आती हूँ तो दे विल बी हैप्पी टू कीप मी बैक, और हमारे कंपनी में ऐसे प्रोविजन है कि आप यू नो ब्रेक ले सकते हैं पढ़ाई के लिए। मैं मैरिड हूँ और मैंने मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में, तो उनका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। तो ही वॉज ऑल्सो यू नो वॉज नॉट अकम्पनिंग टू मी टू कैनेडा। पर आप ये बताएं कि अगर आप कंटेंट मॉडरेशन करती हैं, जो भी आप काम कर रही हैं, और इससे आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में तो एमबीए जनरल होगा, ऐसा तो कोई उनका कोई ई कॉमर्स या कंटेंट मॉडरेशन से तो कुछ लेना देना ज़्यादा है नहीं शायद। अच्छा, कोई मैंने बताया ना कि एक हमारे इसमें एक होता है कि ऑपरेशंस मतलब टीम, जैसे जो मेरे सीनियर्स हैं वो कंटेंट मॉडरेशन नहीं करते हैं, वो पीपल मैनेज करते हैं ना। तो अगर मेरा जब प्रमोशन होगा तो मुझे वो काम नहीं करना होगा, मुझे लोग मैनेज करने होंगे, स्केड्यूलिंग करनी होगी, ये सारी चीज़ें करनी होगी जो कि एमबीए में फिट बैठता है। तो ये तो ज्यादा आपका एचआर टाइप हुआ, एचआर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट, वो उस तरह की बातें हुई है। नहीं वैसा भी नहीं, वो नहीं, वो पीपल मैनेजमेंट तो सर राइट, पीपल मैनेजमेंट टर्म एचआर में चला जाता है ना, टीम मैनेजमेंट मैं बोलना चाह रही थी। अब टीम मैनेजमेंट बोलना चाह रही, हाँ जी तो हाँ। इसके लिए आपको जो एक जनरल एमबीए में आपको, आई एम स्टिल नॉट, इफ आई एम द वीजा ऑफिसर, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कि ये आपके लिए राइट कोर्स है अभी भी। मतलब आप, या तो कोई ऐसा होता ना कि स्पेसिफिक आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं है, विच आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और टाइप का कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसा कुछ अगर कुछ होता तो तो ये शायद। सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कोर्स में इंक्लूडेड होती है। अगर हम एमबीए करते हैं तो उनके मॉड्यूल में भी मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। या होती होंगी, पर लेकिन लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वीजा अप्रेजल, हमें वो चीज मॉड्यूल में, वीजा ऑफिसर वो मॉड्यूल थोड़ी पड़ेगा कि इसमें आपने इस सेमेस्टर में ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो देखने में थोड़ा सा सुनने में वो एक वो बैनर, उसका जो फ्लैगशिप नेम है उसमें शायद वो नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये बताएं आप, एसओपी आप जो भी लिखते हैं, जो भी आपने लिखा है, ये कोर्स, ऐसा कोर्स और ये आपकी जो करियर की तरक्की है, प्रोफेशनल जो प्रोग्रेस कर आप करना चाहते हैं इतनी दूर जाके इतना खर्चा करने के बाद, ये कोर्स इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में भी अगर मैं किसी कॉलेज में एमबीए करती हूँ तो अगर हम मॉनिटर मतलब फीस के अकॉर्डिंग देखें तो उससे 2-4 लाख रुपए ही कम लगते हैं, जी और इसके अलावा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर तो एक, ये मैं समझता श्रद्धा एक बहाना ही है वैसे, जो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और दिल्ली के, जहां आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं और भी होंगी आपकी जो प्राइवेट हैं,
तो इनके पास एक्सपोजर यहाँ कम है पे क्या? हर हर मतलब हर ग्रेज मतलब अगर बीकॉम में 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से अराउंड मैं बोल सकती हूँ कि 35 या 40 लोग एमबीए करते ही हैं, और वो सारे एमबीए मेरे लेवल पे ही आके मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। जी, तो पर बात ये है ना कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है वीजा लेना। एसओपी में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि हम आपको वीजा दे दें? ऐसी क्या खास बात है कि इसके लिए आप $16,000 और प्लस 10,000 जीआईसी, करीब करीब 26 से 27 हजार डॉलर आप खर्च करके एक जनरल, एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने इतनी दूर फ्लाई करके जा रही हैं? आई मीन, डज इट साउंड रीजनेबल एट ऑल? आई मीन, व्हाट, व्हाई? सेटिस्फाई मी इफ यू मे ट्राई, लेट्स सी, दिस इज अ इंटरव्यू, आप मेरे को सेटिस्फाई करें कि व्हाई इज इट जस्टिफाइड फॉर यू टू गो टू कैनेडा? मैं श्रद्धा, यू देयर? हेलो, हाँ जी बोले बोले श्रद्धा, मैं सुन रहा हूँ, आपका जवाब सुन रहा हूँ। अब बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है। अगर आपका एडमिशन होता जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, मैकगिल में, अच्छे अच्छे ये टॉप की ब्रांडेड यूनिवर्सिटी हैं, इसमें होता तो शायद वीजा अफसर के मन में, दिमाग में आता ही नहीं आया कि इसको रीजनेबल हम बोले ना बोले। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट का स्टैंडर्ड मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर भी है, मतलब इट्स राइट एन द बॉटम, आई वुड हाँ से। जी, दैट आई तो टोटली इसलिए एग्री विद यू। इसलिए मेरे को आपके जो जो एसओपी के जो रीजनेबलनेस का, जो एक जेन्युइननेस का में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, क्यों है, कैसे है? कैन यू एक्सप्लेन टू मी, कैन यू गिव मी सम, जस्ट ब्रीफली इन 1 मिनट, व्हाई आर यू अ जेन्युइन स्टूडेंट? सो बिकॉज़ मतलब मैं अपने आप को जेन्युइन इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज मैं अपने करियर में ग्रोथ चाहती हूँ, और वो अभी अगर मैं अपने मतलब जैसा कि मेरा स्टडी का भी काफ़ी स्टडी के बाद मेरा वर्क मैंने काम करना शुरू कर दिया था और मैं जहाँ जिस लेवल पे पहुँचना चाहती थी वो मैं नहीं पहुँच पाई अभी तक। मे बी उसको मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स नहीं किया था, और एट दिस एज वो मैं करना चाहती हूँ बिकॉज अब मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता चला है या बट कि व्हाई अब गो टू, व्हाई गो किसी टू भी एक कैनेडा? बट व्हाई मैनेजरियल लेवल के लिए है। दीस कोर्सेज और रिलेटेड कोर्सेज कैन बी इजीली डन इन योर होम टाउन वेयर यू आर विदाउट स्पेंडिंग ऑल दिस मनी? व्हाई गो ऑल द वे टू कैनेडा? आई मीन, दैट्स साउंड्स लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वीजा डिसीशन अप्रेजल, दैट साउंड्स लाइक अ प्रिटेक्स्ट, अ एक्सक्यूज टू गो टू कैनेडा। Did you take admission in America or Germany or England, Australia, anywhere? क्या वीजा ऑफिसर को आपने बताया कि मैंने इन सब कंट्रीज के भी मैंने कॉस्ट कंपैरिजन करा है, वहां पर भी कॉस्ट इससे कम है, ज्यादा है, या वहां एडमिशन मेरे को मिला या नहीं मिला, तब जाके मैंने कनाडा चूज किया? अब जो दिल्ली में, फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं उनका खर्चा आपने कंपेयर किया कि और यहाँ पर एडमिशन कितना मुश्किल है? जैसे हम नाम लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, अच्छे। अब आई एम अहमदाबाद है, आई एम बेंगलोर है, ये बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ पर, तो फॉरन से लोग पढ़ने हैं, इंडिया में आते हैं कि दे वॉन्ट टू टेक अ इंडियन एक्सपीरियंस, तो वो जो आते हैं, तो ये आपने कहा कि हमारा आई एम में एडमिशन नहीं हो सकता, इसलिए अब हाँ मैं बाहर जी, जा रही हूँ? हाँ ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस के मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस में जैसे IIM है वहाँ पे भी मेरा एडमिशन नहीं हो सकता था, और अगर मैं नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती लाइक MIT हो गया या मानव रचना हो गया तो कॉस्ट वो मेरा इतना ही होता जितना कि मेरा उस यूनिवर्सिटी पे हो रहा है, या मैं कनाडा जाके किसी और यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेती तो ये होता। ठीक है, चलो, समझ गया समझ गया। अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए है तो व्हाई नॉट अमेरिका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? व्हाई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन कनाडा? कनाडा में तो बहुत लिमिटेड इकॉनमी है हमारी। व्हाई इज द कैनेडियन एक्सपीरियंस मोर कॉम्परेबल देन अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड?
मैंने यूके में भी ट्राई किया था, और इनफैक्ट यूके में भी मुझे एक दो कॉलेजेस में एडमिशन तब मिल गए थे साइमल्टेनियसली व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर कनाडा. बट कनाडा में नो अप्लाई करने के बाद एक ऑप्शन होता है जहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडीज. तो मुझे वहाँ का एक वर्क एक्सपीरियंस अगर मेरी सीवी पे ऐड हो जाता तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता. ये आपने एसओपी में आपने लिखा था कि मैं कनाडा में पढ़ाई करने के बाद मैं काम करना चाहती हूँ, वहाँ काम करूँगी, लिखा था आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये लिखा था. जब जब अगर ऐसी जब ऐसे रीजन था तो इसमें मतलब गुंजाइश है तो लिखा क्यों नहीं आपने? सर ऐसा जरूर लिखा था कि वर्क वहां पर काम करके आई विल गेट दी आई मीन वहाँ के वर्क कल्चर को मैं समझ पाऊंगी, ये मैं सारी आपको बातें जरूर लिखी चलता मैं थी. आपको बताऊं, एक मेरे पास केस आया था आज से 1.5 साल पहले, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि लोग प्राइवेसी रखना चाहते हैं। उसका भी ऐसे ही एक छोटी यूनिवर्सिटी में कनाडा की ऐसे ही, वहां पर उसका रिफ्यूज हो गया था। मतलब वो भी ऐसे बीकॉम या बीबीए करने के बाद ऐसे ही को एमबीए के इस तरह का बिजनेस खड़ा करना चाहता था। तो एक दो बार रिफ्यूज हो गया था, तो तीसरी बार जब मेरे पास आया तो मैंने उसे बोला कि भाई सच्चाई तो ये है कि आप पीआर बनना चाहते हो। वो बोला हाँ, सच्चाई ये भी है कि आप एमबीए का एडमिशन आपको इंडिया में मिल नहीं सकता, बोल गया ये भी हाँ है। और सच्चाई ये भी है कि आपने, जैसे आपने श्रद्धा ने भी कहा कि आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर चाहिए, तो मैंने कहा कि आप क्या लूज करते हो, वीजा ऑफिसर के सामने दिल खोल के याद लिख दो। तो उसका मैंने एसओपी लिखा, मैं आपको दिखा नहीं सकता एसओपी क्योंकि वो आई डोंट वांट टू रिवील इट पब्लिकली फॉर सम क्लाइंट्स। उसमें मैंने एसओपी लिखा, मैंने आधे पेज का, मतलब कि पूरे जो पेज होता है माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट का आधे पेज का, हार्डली मे बी 100 लाइंस, नॉट मोर देन। तो मैंने उसको पहला पॉइंट उसमें ये लिखा, जो एसओपी में लिखा, मैंने लिखा कि आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, मेरा इंडिया में कहीं एडमिशन हो नहीं सकता। मैंने पहली लाइन तो ये लिख दी, सुन मेरी बात आ, हाँ जी. मैंने लिख दिया कि मेरा एडमिशन इंडिया में कहीं हो नहीं सकता कि जहां मेरे को लगे कि मैं इतना पैसा खर्च करके कोई डिग्री लूं जिससे मेरा एक फायदा हो। IIM है और मैंने दिल्ली का नाम लिया, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एक XLRI है, टाटा का नाम लिया, जमना बजाज, ऐसे चार पांच वो लिखे थे जो टॉप के, जो ब्रांडेड, जो इंडिया के। मैंने लिख दिया उसमें कि मेरा यहाँ पर कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दिमाग इतना है ही नहीं है, ये लाइन लिखा। और मेरा मेरा अगर एडमिशन कहीं हो सकता है वो विदेश में हो सकता है, फॉरेन में हो सकता है। तो ये मैंने पहले दो लाइन मेरी ये थी। फिर दूसरा मेरा पैराग्राफ था कि मैंने कुछ कंट्रीज देखी, मैंने फिर कंपैरिजन लिखा, मैंने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये पांच कंट्रीज का कंपैरिजन मैंने डाला कि यहाँ पर मैंने कनाडा में मैंने 3 यूनिवर्सिटी, फिर इसके तीन ऐसे, मतलब कि मैंने 15 यूनिवर्सिटीज का एक टेबल बनाया कि इस यूनिवर्सिटी में ये है, इस यूनिवर्सिटी में ये है, इस यूनिवर्सिटी ये है, इस यूनिवर्सिटी ये है, और इसमें मॉड्यूल इसमें ये है और इसकी फीस इतनी है। तो मैंने उसको वीजा ऑफिसर को, और ये सिर्फ 3-4 लाइनों में, टेबल के बाद सिर्फ 3 लाइनों में खत्म हो गई बात, कि इन पांचों जो कंट्रीज का कंपैरिजन मैंने किया है इसमें से जो सबसे सस्ता पड़ रहा है वो कनाडा में पड़ रहा है। मैंने लिखा कि सबसे सस्ता जो कनाडा में पड़ रहा है, तो मेरा कोई दिमाग खराब, मैंने ऐसे लिखा, आई एम नॉट अ फूल, वाई वुड आई स्पेंड मोर मनी गोइंग टू डिफरेंट कंट्री व्हेन कनाडा इज गिविंग मी चीपर ऑप्शन, ये ऐसे लिखा मैंने। तो ये मेरा सेकंड जो पैराग्राफ था। और तीसरा था जो हमारा जो पैराग्राफ था वो मैंने लिखा कि भाई बड़ी सीधी सी बात है कि मैं जा रहा हूँ, मैं काम करूंगा कनाडा में, और काम इसलिए करूंगा क्योंकि आपकी सरकार ही खुद कह रही है कि स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप वर्क परमिट दे रहे हो, अदरवाइज वर्क परमिट देने की जरूरत क्या थी। हम जा रहे हैं और ये एमबीए वगैरह हम पढ़ रहे हैं और ये बिजनेस वाला की जो भी, ये टेक्निक्स वाला जो भी हमें डिस्कशन हो रहा, हम काम करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम तो काम करेंगे वहां पर, हमारे पास 3 साल का वर्क परमिट है, तो 3 साल में वापस क्यों होगा, पहले मैं काम करूंगा और उसके बाद अगर मेरा, ये मैंने लिखा मेरे लाइन, आई होप आई 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 विश आई कुड शो यू दैट लाइन। मैंने कहा अगर मेरा दिमाग लगेगा कनाडा में, अगर मेरे को कनाडा पसंद आएगा, तब मैं पीआर के लिए अगर क्वालिफाई करूंगा तो मैं कर दूंगा, नहीं है तो मैं जॉब करके अपने घर आ जाऊंगा। और एसओपी मेरा, आप इमेजिन करो पूरे पेज में, आधे पेज में ये एसओपी खत्म हो गया और उसको विद इन 10 डेज वीजा मिल गया था।
मतलब आफ्टर बीइंग रिफ्यूज्ड फॉर टू टाइम्स. पर चलो मैं एक्चुअली चक्कर ये है कि एवरी सिचुएशन इज नॉट सेम. पर मैंने मेरी आपसे जब बात हुई थी लास्ट टाइम तो आपने मुझे बोला था कि आप खुद से ही अप्लाई कर लो, जब बाद में मेरी जरूरत होगी तब मैं खुद से बोल दूंगा कि अच्छा ठीक है अब मैं अप्लाई कर दूंगा. तो सर बट तेरी प्रॉब्लम अभी कुछ और है. वीजा रिफ्यूज हो गया. आज की प्रॉब्लम क्या है वो बताएं. वीजा रिफ्यूज हो गया, चलो कोई बात नहीं. मेरा दिक्कत इशू ये है कि मेरा रिफ्यूज हुआ था वीजा सेप्टेम्बर में और उसके बाद मैंने रिकंसिडरेशन के लिए डाला. रिकंसिडरेशन का भी कोई आंसर नहीं आया. 30 डेज हो गया, 45 डेज हो गया. उसके बाद मैंने सेप्टेम्बर 22 को कॉलेज को यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा जो है फ़ी रिफंड कर दो. उसके पहले मैं मेल्स डाल रही थी उनको, 2-3 बार मैंने उनको मेल्स डाले ओके कि आप जो है मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आप प्लीज़ मेरा रिफ़ंड प्रोसेस कर दीजिए. फिर मेरे पास जैसे ही रिप्लाई आया 22 नवंबर को, तो मैंने जो है जो एक स्टूडेंट पोर्टल अलॉट होता है उस पर रिक्वेस्ट डाल दी कि फॉर रिफ़ंड. और उसमें मैंने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया, रिफ्यूज़ल लेटर एंड एवरीथिंग. बट आज हो गया है 2 फेब और उनका होता है 30 बिजनेस डेज, मेरा रिफंड नहीं आया अभी तक. ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी कनाडा में. यस, मैं भी कुछ देख रहा हूँ. ये इनकी वेबसाइट है, ये है ना, यही लोग है ना. हाँ जी, ठीक है. पहले तो मैं इसका देख लेता हूँ कि इनका इनके लाइसेंसिंग कहाँ से होता है. ये लाइसेंसिंग का दे रखा है इनको, कहाँ कहाँ से इनको लाइसेंस मिलते हैं और एक्रेडिटेशन दे रहे हैं. तो ये है मेन चीज है जो बीसी जो पब्लिक एंड प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ से इनकी जो लाइसेंसिंग होती है होती है सारी. ये होती है. इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ क्या है. स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? हाँ जी. क्या लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? सबसे ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया से ऊपर इस प्रो एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस. ठीक है जी. तो ये जो है इस एफिलिएशन पे या इस अप्रूवल के बेस पे यहाँ पर धंधा चलता है एजुकेशन का. धंधा मतलब कि बिजनेस चलता है एजुकेशन का. अगर किसी को यहाँ का लाइसेंस ना हो, क्योंकि ये प्रोविंस वाइज चलता है, अगर लाइसेंस ना हो तो वो अपनी दुकान चला नहीं सकते. तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें अगर आपको कंप्लेन करनी है कि कोई भी आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर आपको पैसा नहीं दे रही है, तो पहली बात तो ये है कि हमें स्टूडेंट को पहले उसकी एक फी पॉलिसी समझ के पढ़ के फिर हमें अप्लाई करना चाहिए. क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है वहीं पर, तो उनकी पॉलिसी और इनकी पॉलिसी में फ़र्क हो सकता है. इसलिए पहले बहुत सोच समझ के ग्राहक को सचेत होना चाहिए कि भाई हम ये पैसे दे रहे हैं, हमें ये वापस मिलेंगे या कितने कट के मिलेंगे. अगर आपको कंप्लेन करनी है तो ये है कंप्लेन करने का तरीका. ये है इनके पास, ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. ये आप स्क्रीन को अगर बाद में रोक कर देख लेंगे तो इसका फ़ोन नंबर भी दिया है और ये इनका ईमेल एड्रेस भी दिया है. इस पर आप इनको कंप्लेन कर सकते हैं अगर करना है तो कुछ. ठीक है जी. ठीक है सर. ठीक है. एक तो ये है. तो इसको आप BCEQA एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस को आप करके ऐसे इनका वो सर्च आप इसको करके आप इनको कंप्लेन कर सकते हैं. दूसरी जगह आपको अगर कंप्लेन करनी है तो इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बीसी. स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको? हाँ जी सर. हाँ, इसका भी कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, फोन नंबर और ये सब, वो कंज्यूमर हेल्प, ये सारे आपके ये दे रखे हैं और फैक्स नंबर सब कुछ दे रखा है. यहाँ से भी इनको आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरी फीस मारी गई और मेरे को फीस मिल नहीं रही है वगैरह वगैरह. अगर ये दोनों काम ना करें तो आखिरी जो हथियार हमारे पास, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, जो हमें फिर बड़ा मिसाइल चलाना पड़ेगा, वो है गो पब्लिक. ये CBC न्यूज है हमारे यहाँ पर कनाडा में. CBC एक मेन न्यूज है, चैनल है यहाँ पर. तो ये कभी कभी कोई ऐसी कोई चीज होती है जो उनके निगाह में आती है कि हाँ भाई ये फ्रॉड टाइप कुछ हो रहा है, तो इसको वो नेशनल मीडिया पे उछालते हैं. डैट मीन्स कि वो आपका इंटरव्यू लेंगे और उनसे भी उनका भी जगह पता करेंगे और जाके इसको ये टीवी पे और मीडिया पे डालेंगे. आप खुद ही सोशल मीडिया के उस्ताद हो, आपको पता है कि जब मीडिया पे बात आती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं फिर. तो ये है CBC न्यूज गो पब्लिक. और इसका जो है कहीं इसका वो कहाँ दिया हुआ है,
ये इसका वेबसाइट दे रखा है, छोटा सा दे रखा है उन्होंने, कहा एक सेकंड, ये दिखा है gopublic@cbc.ca, दिख रहा है नजर आ रहा है कुछ है? हाँ जी सर, ये gopublic@cbc.ca, तो इसमें आप अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है तो अपनी स्टोरी बताएंगे और ये स्टोरी को वो अपना उस पर डालेंगे, आपकी सीबीसी टीवी रेडियो हर जगह डालेंगे, और जब आपके मीडिया पे आपकी स्टोरी आ जाती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, फिर जिसको पैसे देने हैं तो 30 दिन नहीं, वो 30 मिनट में पैसे दे देते हैं आपको, तो ये आप इनको स्टोरी डालें, तो यही तरीका है पैसे लेने का। अदरवाइज तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हर एक का एक अपना वो बिजनेस होता है और हर एक का ये होता है कि हमें करना नहीं करना, तो वो उन्हें पता होगा उनकी क्या पॉलिसी है, पर दिस इज व्हाट आई विल डू इफ आई वर यू, आई विल डू समथिंग लाइक दिस। यस एक्चुअली यू नो मैंने ऑफ कोर्स पैसे पे करने से पहले जो ऑफर लेटर आया था उसमें मैंने पढ़ा था, क्लियरली मेंशन था अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो इन केस ऑफ वीजा रिफ्यूजल उनके पैसे रिफंड हो जाते हैं। प्लस फिर मैंने गूगल में भी ऐसे सर्च किया था तो एक दो केसेस मुझे दिखे थे जहाँ पर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न था कि जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने कुछ यू नो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया है या कुछ, तो उस केस में उस स्टूडेंट का रिफंड नहीं हुआ था। और बस ये मतलब मैं यही शेयर करना चाहती थी सबसे और आपसे ये सजेशन लेना चाहती थी कि मैं अब कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, बिकॉज मेल्स मैंने बहुत किए, उनका फोन नंबर जो दे रखा है वो फोन लगता ही नहीं है, जो वो लगेगा सारी बातें मेल पर ही होती है। वो चक्कर ये है कि आप समझ लें श्रद्धा कि फोन तब लगेगा जब उनको आपसे पैसे लेने होंगे। एग्जैक्टली जब पैसे देने होते हैं तो फोन भी काम करना बंद कर देते हैं। जब वो जो इंडिया में उनके रिप्रेजेंटेटिव है जिनको उन्होंने इंडिया हेड का टाइटल दे रखा है, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने भी मुझे यही जब आंसर किया कि अच्छा अभी 30 डेज नहीं हुए हैं, जबकि वो हो गए थे आफ्टर 1 और 1.5 मंथ मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो मैं आपको अगले हफ्ते बताता हूँ मैंने बोला जैसे आपसे मेरी बात हो रही है ना तो एक वो तसल्ली हो जाता है कि यार फोन पे बंदे से बात हो गई है तो He'll help me to get my money back. तो वो कह रहे कि नहीं मेरे पास भी कोई फोन नंबर नहीं है, मेरी भी बातें मेल्स पर ही होती है, तो बहुत ये चर्दा आप YouTube की माहिर हैं, आपको पता है सारा ये YouTube वगैरह ये मीडिया कैसे चलता है। देखिए बात समझ लीजिए, आप पढ़े लिखे भी हैं और बिजनेस को भी जानती हैं, बिजनेस में काम कर रही हैं, बिजनेस को आगे पढ़ेंगी, जितना भी ये धंधा है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी का, हाँ जी, ये एक दुकानदारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। I totally agree sir, पता है। आगे इसकी चेन को समझें। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें आके लूटा 250 साल आके, ठीक है, और आज की जो लूट है वो करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो बाहर की बैठी हैं, चाहे किसी भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यू नो ऑस्ट्रेलिया, एनीवे थोड़ा सा उसको फॉलो करें जरा। मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी इस बारे में अवेयरनेस पता लगे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उसमें से बहुत ही फ्रैक्शन वो कम है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको ज़्यादा एक अपनी दुकान का विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके पास तो कोई आता नहीं। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रन करती हैं जैसे एक छोटी सी या बड़ी सी दुकान हो, उन्होंने अपने अपने एक एजेंट या कमीशन एजेंट या सेल्स बिचौलिए बीच में बिछा रखे सारी दुनिया में, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, फिलीपींस हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, नाइजीरिया हो, आपके इवन लैटिन अमेरिका हो, वहाँ पर उन्होंने सबके छोटे छोटे अपने प्यादे बिछा रखे हैं। नाम दे दिया उनको रीजनल मैनेजर इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न रीजन, नाम ऐसे फैंसी नाम दे दिया। जो इंडिया में जो आदमी बैठा है उसको लगता है कि पता नहीं बाहर की कंपनी ने मल्टीनेशनल कंपनी से मेरे को जॉब मिल गई है और मेरे को लोकल से थोड़े से 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आई एम वर्किंग फॉर अ कैनेडियन कंपनी, उसको इंग्लिश ही बोलने लग जाता है, फू फा करने लग जाता है, तो उसे ये नहीं पता कि वो एक पूरी चेन में एक प्यादा है, और उन प्यादों का काम सिर्फ इतना ही है कि वहाँ इंडिया के पैसे किसी भी कंट्री में चाइना इंडिया के पैसे स्टूडेंट इकट्ठे करो, जाल बिछाओ, जाल में जो मच्छी आ गई उसको करो लपेटो और 16-16 हज़ार डॉलर ट्रांसफर करो पर ईयर।
तो अगर आप ये देखें कि अगर इनके पास जितने भी कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज में और यहाँ पर टोरंटो एरिया में भी जितने भी कैंपस है उसमें 50% से ज़्यादा, बड़ा हैरानी होती है, आप कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर वो कैनेडियन जो लोकल स्टूडेंट कोई है ही नहीं, वहाँ पर सब इंडियन घूम रहे हैं। लगता है कि हम जैसे दिल्ली में पढ़ रहे हैं या हमें पूना में पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि कई स्टूडेंट ने ये कहा कि अगर इतने इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो हमें यहाँ पर आने की जरूरत कहती है, यही इंडियन स्टूडेंट हमें दिल्ली में मिल जाते तो वहाँ पर हम पढ़ सकते थे। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट और चाइनीज स्टूडेंट के बल पे दुकानें चल रही हैं, रेवेन्यू चल रहा है, प्रोफेसर की सैलरी हो रही है और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, एक लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी आप गूगल पर टाइप कर देख लेना, कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं वो यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई। दैट मीन्स के उनको अपने सारे वो यूनिवर्सिटी को बैंक्रप्सी करनी पड़ी क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट थे ही नहीं या इतनी तादाद में नहीं थे। सो इस करके जितने भी कॉलेजेस हैं स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन्होंने एक धंधा बना रखा है पैसे समेटने का और सारा पैसा के पैसा, सारा जो भारत का जो जमा पूंजी है वो भारत का, तो वो अमृतकाल महोत्सव चल रहा है ना आजकल, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारी वो क्या कहते हैं अमृतकाल सा चल रहा है, कल बजट में भी वो सीतारमन कह रही थी। तो ये है कि हर एक तबका का, हर एक तबके के स्टूडेंट है फिर भी वो है, चाहे जैसा भी काल चल रहा हो भारत में, वो सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं और स्टूडेंट वीज़ा एक अच्छा बहाना है उनके लिए और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ने आपकी साइकोलॉजी को पकड़ लिया है और बिचौलियों के माध्यम से आपको वो लपेट रहे हैं। आपको भी फ़ायदा चाहिए, आप भी सोच रहे हो कि 26,000-30,000 डॉलर देकर आपको PR मिल जाएगी, आप भी वो घाटे का सौदा सोच रहे हो नहीं करें। तो वो एक दोनों तरफ से ये सब एक जाल बिछा हुआ है, वहाँ से इनको स्टूडेंट चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपको PR चाहिए, वीज़ा मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलता तो पैसे गए और पैसे कुछ ना कुछ काट ही लेते हैं। तो आपके इस चक्कर में तो इन्होंने बहुत पैसे काट लिए हैं, अगर बाई चांस अगर आप इसको परस्यू ना करो तो आपके $16,000 गए, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, अबाउट 9 लाख रुपये चले गए। तो जो मैंने आपको बताया कि जो तीन आपको जगह बताई हैं, आप वहाँ से उनको परस्यू करो और उनको यूनिवर्सिटी को लिख भी दो कि अगर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे रीजनेबली इतने टाइम के अंदर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो मैं इन तीनों जगह में, उन तीनों जगह के नाम लिख देना जो मैंने आपको दिखाया, इन तीनों जगह में मैं उनको रिपोर्ट करूंगी और मैं कंप्लेन करूंगी कि आप पैसे नहीं दे रहे और फिर आपका जो भी होगा तो यू नो व्हाटएवर हैपन दैट विल हैपन। हाँ, अगर लाइसेंस अथॉरिटी में आपने इनको कंप्लेन कर दी तो वो अपनी इंक्वायरी खोल देंगे, फाइल खोल देंगे, तो उनकी इंक्वायरी होगी, फिर वहाँ के वकील होंगे कि भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जी आपने पैसे जब दिए थे उसमें लिखा था कि आप पैसे वापस नहीं मांगोगे वगैरह वगैरह, तो लिटिगेशन होगा, अनफॉर्चुनेटली ये सब ये लिटिगेशन चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका केस है और भी जो इस यूनिवर्सिटी के जो और भी जो लोग हैं जो जिनके पैसे फंसे हुए हैं, अगर वो मिल जाते हैं, लेट्स से कि 5-10 स्टूडेंट और मिल जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, तो आपको थोड़ी सी पावर और ज़्यादा मिलेगी और उनको भी ये लगेगा कि हाँ अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे वापस। ओके, तो मैं यहाँ पर कंप्लेन करने से पहले एक मेल उन्हें करूँ कि आई विल कंप्लेन इन ऑल दीस प्लेसेस। जी हाँ, उन्हें आप कंप्लेन कर दें कि भाई हमें आप, अब 30 दिन हो गए पूरे, आप मेरे को रीजनेबली 1 हफ्ते के अंदर आप पैसे मेरे को दे दें, आप अगर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आपकी पॉलिसी क्या है ये बता दें, और अगर नहीं दे रहे हैं तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं इन तीनों एजेंसीज के नाम लिख देना, इन तीनों एजेंसीज के पास मैं कंप्लेन करूंगी और फिर मैटर विल गो आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो CBC न्यूज़ है जो नेशनल एक TV हमारा चैनल है यहाँ पर, अगर CBC न्यूज़ को अगर उन्होंने कवर कर दिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये इस तरह की स्टोरी अगर न्यूज़ मीडिया में आ गई तो उनकी बदनामी होती है और उनका कई और लाखों डॉलर के और बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो इस कहानी को दबाने के लिए जरूर आपको कहेंगे भाई आप श्रद्धा जी आप पैसे लो बंद करो ये कहानी वानी। दो चार मैंने ट्वीट करे उसके बाद उनका रिप्लाई आया, तब ट्वीट करा मैंने उसके बाद कोई मेल पे रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद दोबारा मैंने ट्वीट करा कि बीन यू नो 2 days दैट आई हैव tweeted and still haven't got any revert. तो बस उस जो मैंने मेल किया था उसका एक acknowledgement आया और उस acknowledgement के लिए उन्हें मुझे ट्विटर पे लिखा कि यू नो काइंडली रिफ्रेश योर ईमेल एंड चेक वी हैव सेंड एंड ईमेल टू यू। तो ये सारा भी ट्रेल मतलब मैंने किया।
उसके बाद बस स्टिल यू नो नो प्रोग्रेस। तो अब थोड़ा सा आपको का ये मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको पैसे वापस अगर रिकवर करने हैं तो थोड़ा इतना इतने आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल आपका है तो नहीं है? बाकी बाकी मैं दिल्ली आ रहा हूँ एक्चुअली मार्च में, अगर आपके पास टाइम मिले तो जरूर आके अपना, अगर आपका केस सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आके मिले, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। श्योर सर बिल्कुल। कब आ रहे हैं आप इंडिया? मार्च में फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वीक तक है मेरा, अभी तो आई हैव नॉट इवन बुक माय टिकट्स येट, बट आई एम दिस इज माय टेंटेटिव स्केड्यूल। ओके बिल्कुल, अगर मतलब मौका मिला तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मीट यू। ठीक है, थैंक यू श्रुति। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। नमस्कार। थैंक यू।